नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं हूं वीरेन और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी चैनल में जिसका नाम है हेल्थ एंड किडनी। दोस्तों आज का जो ये वीडियो है वो हमने कुछ लोगों के सजेशन पे बनाया हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक है फिटसुला के बारे में। जब इंसान की किडनी फेल हो जाती है तो उसको डायलिसिस करवाने की जरूरत पड़ती है और डायलिसिस की जब जरूरत पड़ती है तो उनके हाथों में एक फिटसुला बनाई जाती है और उस फिटसुला के जरिए हमारा डायलिसिस होता है। तो फिटसुला बहुत ही एक अजीब सी चीज है जिसको लोग इजीली नहीं समझ पाते। फिटसुला के बारे में बहुत सारी जानकारियां लोगों को चाहिए, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं और कुछ सवाल हमें कमेंट्स में भी लोगों ने पूछे थे। तो आज के इस वीडियो में मैं फिटसुला के बारे में कुछ आपको जानकारी दे सकूं ये प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो ये समझते हैं दोस्तों कि फिटसुला क्या है और फिटसुला की जरूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों जब डायलिसिस होता है तो डायलिसिस का मशीन ये ट्राई करता है कि इंसान की बॉडी में जितना भी कचरा है जो अब किडनी साफ नहीं कर रही वो कचरा डायलिसिस का मशीन साफ करेगा। ठीक है, अब हमारी बॉडी में जितना भी ब्लड है जितना भी खून है वो सब कुछ साफ करना है और हमारे पास टाइम होता है 3 घंटे या 3.5 घंटे जितना डायलिसिस चलता है। ठीक है, तो 3-3.5 घंटे में पूरी बॉडी का ब्लड साफ करके फिर से बॉडी में डाल दिया जाए ये टाइम एक्चुअली बहुत कम है। अगर नॉर्मल जो वेसल्स होती है, नॉर्मल जो हमारे हाथों में नर्व्स होती है, अगर उससे डायलिसिस करेंगे तो शायद पूरा दिन चाहिए पूरा बॉडी का ब्लड साफ करने के लिए। इसलिए 3-3.5 घंटे में अगर ब्लड साफ करना है तो ब्लड का फ्लो बहुत अच्छा चाहिए, ब्लड का जो प्रवाह होता है उसका जो स्पीड होती है वो बहुत अच्छी चाहिए और फिटसुला ये काम करती है। जब फिटसुला बनवाए जाते हैं दोस्तों हाथों में, ठीक है, तो उसमें उनकी जो नर्व्स होती है, जो वेसल्स होती है, उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाता है, उसको थोड़ा सा वाइड चौड़ा कर दिया जाता है ताकि वहां पे ब्लड का फ्लो बहुत ही अच्छा हो और उस जगह पर डायलिसिस के लिए सुई मारी जाती है, सुई उसमें डाली जाती है जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो बहुत ही अच्छा रहता है और उस वजह से ही 3-3.5 घंटे में स्पीड से पूरे बॉडी का ब्लड साफ किया जा सकता है और साफ करके फिर से बॉडी में डाला जाता है। तो दोस्तों अगर फिटसुला ना हो तो डायलिसिस अच्छे से नहीं होता है, डायलिसिस करने में भी बहुत सारी दिक्कतें होती है और पूरे बॉडी का ब्लड साफ नहीं किया जा सकता, इसीलिए फिटसुला की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं कि फिटसुला कब बनवानी चाहिए, कब बनवानी पड़ती है। तो नॉर्मली जब इंसान का क्रिएटिनिन ऊपर होना स्टार्ट हो जाता है, 3-5 तक पहुंच जाता है, तब डॉक्टर को पता चल जाता है कि इस इंसान को इन फ्यूचर जब 10-12 क्रिएटिनिन पहुंच जाएगा तब डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी। तब डॉक्टर उस इंसान को बोल देता है कि आप फिटसुला बनवा दो। फिटसुला का एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, एक हाथों में छोटा सा कट डाल के अंदर जो नर्व होती है उसको ज्वाइन करने का काम करते हैं और उसका जो वाइडनेस होती है, उसकी जो चौड़ाई होती है वो थोड़ा सा बड़ा करने का काम उस छोटे से ऑपरेशन में किया जाता है, 1-1.5 घंटे का होता है। तो डॉक्टर पेशेंट को बोल देता है कि आपको डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी तो अभी से आप फिटसुला बनवा दो। ठीक है, जब फिटसुला का ये ऑपरेशन हो जाता है नॉर्मली तो उसके कुछ 20 या 25 दिन तक वो उस इंसान को थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है, इस प्रकार की हाथों की मूवमेंट वाली एक्सरसाइज होनी चाहिए। स्माइली बॉल भी आता है, स्माइली बॉल प्रेस करके भी वो एक्सरसाइज कर सकता है, हाथों की थोड़ी सी नॉर्मल सी ऐसी मूवमेंट करवा के भी वो एक्सरसाइज कर सकता है। जितने ज्यादा वो दिन में ऐसी नॉर्मल वाली एक्सरसाइज करेगा उतना ही जल्दी उसकी फिटसुला रेडी हो जाएगी और उसके बाद वो इस फिटसुला से डायलिसिस करवा सकता है। अगर फिटसुला रेडी नहीं हो रही तो डायलिसिस वहां से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, या फिर ये भी हो सकता है कि ब्लड वहां पे क्लॉट हो जाए और फिटसुला फेल हो जाए। इसलिए इंसान को ये ध्यान में रखना है कि जब उसका फिटसुला बन जाता है तो उसको नॉर्मली ये जो एक्सरसाइज बोली गई है स्माइली बॉल प्रेस करने की, या फिर एक मशीन भी आता है इस तरह से जो स्प्रिंग लगाई होती है वैसा वाला मशीन होता है, तो वैसी वाली एक्सरसाइज करते रहना है उसको पूरे दिन। ठीक है, तो उससे उसकी फिटसुला और अच्छी बन जाती है, उसका डायलिसिस अच्छे से होने लगता है। कभी कभी ये भी होता है कि जब पेशेंट पहली बार डॉक्टर के पास जाता है और पहली बार रिपोर्ट करवाता है उसका क्रिएटिनिन 10-12 या उससे भी ऊपर हो सकता है, तब डॉक्टर को यह पता चल जाता है कि इस इंसान के पास फिटसुला बनवाने की और फिटसुला रेडी हो जाए 20-25 दिन जिसे लगता है उतना टाइम पेशेंट के पास नहीं है क्योंकि क्रिएटिनिन बहुत ज्यादा है, बॉडी की तबियत खराब हो रही है। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो उसको ऑन द स्पॉट अर्जेंसी में डायलिसिस करवाना पड़ता है, तब फिटसुला बनवाने का टाइम नहीं होता। इसलिए गले में नली डाल के, एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो गले में नली डाल के उसका डायलिसिस स्टार्ट करवाया जाता है, उसी दौरान उसका
फिस्टुला भी रेडी करवाने की प्रोसेस की जाती है ताकि 20-25 दिन के बाद वही डायलिसिस वो इंसान हाथों से भी फिस्टुला से करवा सके, क्योंकि हमेशा तो यहां गले से डायलिसिस नहीं हो सकता, उसका इन्फेक्शन भी लग सकता है। मैक्सिमम 3 हफ्ते या मैक्सिमम महीना गले से डायलिसिस करवाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं करवाना चाहिए। फिस्टुला उसके पहले बन के रेडी भी हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये बात भी आप ध्यान रखना। कुछ कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो गले से डायलिसिस करवाते हैं और फिस्टुला हाथ में बनवाते ही नहीं, उनको ऐसा लगता है कि हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसा कभी भी मत करवाना। 1 महीने से ज्यादा डायलिसिस गले से नली डाल के किया जाएगा तो गले में इन्फेक्शन लग सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उस इंसान को बुखार भी आ सकता है। ऐसे प्रॉब्लम्स मैंने देखे हैं बहुत सारे पेशेंट्स में, तो फिस्टुला इसलिए बहुत जरूरी है। तीसरा ये क्वेश्चन होता है लोगों को कि फिस्टुला कितने साल तक चलती है, यानी कि एक ही फिस्टुला बनवा के कितने सालों तक डायलिसिस करवा सकते हैं। तो नॉर्मली फिस्टुला बन जाती है और उसके बाद उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कंट्रोल में रहता है, नॉर्मल सा फ्लो रहता है, ठीक है, कभी भी ब्लड क्लोट नहीं होता और वो इंसान हमेशा अपने फिस्टुला का, जो जिस हाथ में फिस्टुला बनवाई है उस हाथ का अगर अच्छे से ख्याल रखेगा, बहुत ज्यादा वेट नहीं उठाना है, ये सब बातों का अगर ध्यान रखेगा तो ये फिस्टुला नॉर्मली 4 साल तक आराम से चल सकती है। यानी कि एक ही फिस्टुला पे इंसान 4 साल तक डायलिसिस आराम से करवा सकता है और बहुत अच्छा सा डायलिसिस होता है। उससे ज्यादा भी मैंने 5-6 साल तक एक ही फिस्टुला चली हो ऐसे लोग भी देखे हैं जिनका ब्लड फ्लो अच्छा रहता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, ठीक है, तो उनको कोई परेशानी नहीं होती, उनकी फिस्टुला चलती रहती है। अगर फिस्टुला फेल हो गई जिसमें ब्लड क्लोट हो गया या फिर ब्लड की वेसल्स जो बड़ी की गई थी वो फिर से छोटी हो गई, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम होता है, यानी कि डायलिसिस ठीक से नहीं होता है, तो फिर से दूसरे हाथ में या कहीं और जगह पे दूसरी कोई भी नव बड़ी करके वहां पे फिर से फिस्टुला बनवाई जाती है और फिर से वो इंसान डायलिसिस करवा सकता है। और एक क्वेश्चन होता है कि किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हो जाता है उसके बाद फिस्टुला का क्या होता है, तो इसके बारे में पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो भी देख सकते हो। और यहां पे भी मैं एक छोटा सा सिंपल सा आपको जवाब दे दूं कि उस फिस्टुला का कुछ नहीं होता है, वो जैसी है वैसी ही वहीं पर रहेगी। 1-2 साल के बाद धीरे धीरे उसमें ब्लड फ्लो एकदम कम हो जाता है लेकिन फिस्टुला चालू रहती है, और डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं कि वो फिस्टुला का आपको कुछ नहीं करना है। जिस तरह से आप डायलिसिस पे थे तब वो फिस्टुला का ध्यान रखते थे, वैसा ही ध्यान आपको ट्रांसप्लांट के बाद भी रखना है। उस हाथ पे ज्यादा वजन नहीं आना चाहिए, कहीं पे चोट नहीं लगनी चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए, ये सारी बातों का ध्यान आपको किडनी ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन के बाद भी रखना है। क्यों? भगवान ना करे आपकी किडनी रिजेक्ट हुई ऑपरेशन के बाद और ऑन द स्पॉट आपको डायलिसिस करना पड़ा, तो गले से ना करना पड़े, आपकी फिस्टुला चालू हो हाथ की तो हाथों से ही डायलिसिस हो जाए। इसलिए आपको फिस्टुला का कुछ नहीं करना है, फिस्टुला जैसी है हाथों में वैसे ही रहने देना है, उसका फ्लो धीरे धीरे कम हो जाएगा, आपके जो डायलिसिस के निशान पड़ चुके होंगे, जो हाथ थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, जो उभर आया होगा, वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा 1-1.5 साल में, तो आपको उसकी चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बस भूल ही जाओ कि आपके हाथों में कुछ है, बस नॉर्मल से आप वर्क कर सकते हो, थोड़ा कुछ ध्यान रखना है, लेकिन ऐसा गलती से भी मत सोचना कि फिस्टुला मैं निकलवा दूं, मेरा हाथ एकदम फ्री हो जाएगा, आजाद हो जाएगा, ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। वो आपको कोई भी काम में बीच में रोकेगा नहीं, कोई भी परेशानी आपको उस फिस्टुला की वजह से नहीं होने वाली, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये होता है कि तो फिर फिस्टुला निकालनी कब पड़ती है, कुछ लोग ऑपरेशन के बाद फिस्टुला निकाल लेते हैं। उसका एक रीजन ये भी हो सकता है दोस्तों कि बहुत टाइम के बाद जब ब्लड फ्लो कम हो जाता है या फिर कोई चोट लग जाए या फिर ब्लड प्रेशर उसका ठीक नहीं रहता, शायद डायबिटीज है, शुगर रहता है, इसमें से कोई भी परेशानी होती है, तो ऑपरेशन के बाद धीरे धीरे जब ब्लड फ्लो कम हो जाता है तब वहां पे ब्लड क्लोट हो जाता है, ठीक है, ब्लड क्लोट हो जाता है या फिर इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो उस वजह से हाथ में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, ठीक है, कोई नर्व्स फूल जाती है, आजू बाजू में परेशानियां होती है, मसल्स में प्रॉब्लम होती है, उस कंडीशन में सिर्फ वो फिस्टुला निकालवानी पड़ती है, उसके अलावा फिस्टुला निकलवाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही कम लोगों को फिस्टुला में इन्फेक्शन होता है, 1000 में से 1 किस्से में ऐसे जरूरत पड़ती है कि वो फिस्टुला निकलवानी पड़ती है, बाकी कोई आवश्यकता आपको फिस्टुला निकलवाने की नहीं है। तो दोस्तों कुछ कॉमन से सवाल थे उसके जवाब मैंने इस वीडियो में दे दिए हैं। इसके अलावा भी आप फिस्टुला के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो बेशक हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम इसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपको किडनी के बारे में, डायलिसिस के बारे में, ऑपरेशन के बारे में, डोनर पेशेंट, कोई भी सवाल हो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो, हमारे एक्सपीरियंस से जितना भी हम सोल्व कर पाएंगे उतना कोशिश करेंगे। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।